वीडियो व्हाट्सएप आ गए वापस टिकटॉकर्स की मौत का तमाशा देखने के लिए। आइए आइए, स्वागत है आपका। मेरे पिछले वाले वीडियो को अपलोड करने से थोड़ी देर पहले थकेश ने अपना वीडियो डाला था अदनान 07 के ऊपर, और भाई क्या बजाई है यार भाई ने, मतलब बिल्कुल मजा आ गया मेरे को तो यार, मतलब नेक्स्ट लेवल खुशम चुकाई हुई अदनान 07 की। थकेश मेरे भाई, ये मेडल मेरे यहाँ लटका रहता था और टूट गया ये आज, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल ये मेडल गोज टू यू ब्रो। और सालों 26 टिकटॉकर्स, और ले लो तीर उड़ता हुआ अपने अंदर, और ले लो यूट्यूबर से पंगा। और वैसे इस अदनान 07 के भाई अब्दुल ने, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, वो मुझे सुनने में आया कि भाई डिस्ट्रैक्ट लेके आने वाला यूट्यूबर्स के ऊपर। भाई तेरा भाई बजवा के गया गंदी वाली, अब तेरे को भी ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो शौक है बचपन से मेरा भाई, भीख मंग गया था मैं, वो भीख मंग गया। एक्चुअली यार आज का वीडियो अपन अदनान 07 के भाई से स्टार्ट करते हैं। ये जो चमन चोमू है, इसमें पता नहीं कौन सा किस बात का एटीट्यूड है, वो अपन सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हाँ देख लो भाई, ये भी वही है चोर बाजार से फोर्थ हैंड की घड़ी शूज लेके दिखावे करने वाला इंसान। और तुम्हें क्या लग रहा है ये अपना चेहरा इसलिए छुपा रहा है क्योंकि भाई ये गुंडा है, ये तुम्हारे सामने गुंडा बन के दिखा रहा है तुम्हें? नहीं, इसकी शक्ल ही भाई साहब बासे में मोजे की तरह है। नहीं, मैं इसकी शक्ल के ऊपर जोक नहीं मार रहा, ये बंदा खुद अपनी शक्ल के ऊपर जोक मारता है भाई। तभी तो यार 50-50, 60-60 फिल्टर्स लगा के रखे इसने अपने रील्स के अंदर। देखो इसका थोबड़ा, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया है ये, इतने फिल्टर। कोशिश ये पूरी की पूरी कर रहा है जॉन अब्राहम दिखने की, मगर देखो इसको, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पागल गधे की लात खा के आया है ये मुंह के ऊपर। भाई इतने अजीब फिल्टर्स लगाने की क्या जरूरत है भाई, थोड़ा नेचुरल रह जाओ यार। देख भाई तेरे ऊपर रोज वीडियो बना रहा हूँ, अभी गर्मी के टाइम पे तो देख पसीना आ रहा है मुझे, बट हम इसको छुपाते नहीं है भाई क्योंकि हमारी ऑडियंस रियल है, हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्टेड है, तो हमको फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारा पसीना देख के भी खुश है। ज्यादा हो गया ये नहीं बोलना चाहिए था, मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। वैसे गधे से याद आया, इस अदनान 07 ने भी थकेश की रिप्लाई में एक रील बनाया था इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि इतना भयंकर है कि भाई जिसे देखने के बाद तो थकेश ने यूट्यूब ही छोड़ दिया। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाई गाल आगे करने का, ये ले। भाई इसने तो चिपका दिया, जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा उनको। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, मगर इस सुअर की शक्ल बना के क्यों हंस रहा है तू? ऐसे हंसेगा तो भाई साहब स्टेफन हॉकिंग जो कि चेयर के ऊपर बैठा रहता है उठ नहीं पाता, वो भाई साहब भी चेयर से उठेंगे और आपको 4-5 झापट मार के जाएंगे। जब दोनों गल पे पड़ पहली रील इतनी अजीब है भाई, आगे की रील कैसे होने वाली है? वैसे मेरे अंदर हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है इसकी और रील देखने के लिए, मगर आज की वीडियो के लिए सह लेंगे थोड़ा सा। सो इंस्टाग्राम पे नया फिल्टर आया है, योर फेट ये बताएगा हमारा फ्यूचर। चिल्ड्रन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स बच्चे बोल रहे हैं लोग, मैरिड 100 साल जीऊंगा भी क्या मैं, कुछ भी बोलते हो भाई। ऐसी हरकतें करेगा ना मेरे अदनान 07 तो भाई तुझे 30-40 साल भी जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे गधे अदनान 07 गौर से सुनियो, एक बहुत बड़े शायर ने कहा है गांड का इलाज है मगर गांडू का इलाज बिल्कुल नहीं है, और तेरा सीन तो ऐसा है कि भाई तेरा दिल दरिया और गांड समंदर है। तो भाई तुझे तेरे गांड के इलाज के लिए तो भाई बहुत जगह में भटकना पड़ेगा, कभी श्रीलंका, कभी अफगानिस्तान, कभी थाईलैंड, और थाईलैंड के ऊपर तो मैंने सुना है कि भाई लड़के के रूप में भी लड़के होते हैं, तो थोड़ा बच के रहियो भाई, सिस्टम पार देंगे। नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ। गुड गुड, आई लाइक इट। और ये इस रील के अंदर ट्रिपलेट की बात कर रहा है, तीन बच्चों की बात कर रहा है। चिल्ड्रन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स बच्चे बोल रहे हैं लोग। तुम इसे गौर से देखो, तुम्हें इसे देख के लगता है कि एक भी कर देगा? नहीं, मतलब मैं कोई शारीरिक कमी की बात नहीं कर रहा, मगर इन लोग का ड्यूरेशन बहुत कम होता है ना, 30 सेकंड में क्या ही कर लेगा। गोविंद भाई तू बहुत गंदे जोक मार रहा है, बहुत ज्यादा गंदे। और बच्चे एक भी होंगे तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं, निकल बदमाश बवासीर। यो मेरे जिगर के छल्ले अदनान 07, ये सब तो ठीक है, मगर अगर जब तू अपने दुश्मन से लड़ने के लिए जा रहा है तो थोड़ा गुस्सा तो दिखा, एंगर तो दिखा चेहरे के ऊपर, ये नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माता हुआ क्यों जा रहा है? अबे तू उससे लड़ने के लिए आ रहा है, किसी पप्पी लेने के लिए आ रहा है, इतना हंसता हुआ क्यों आ रहा है भाई? ये अजीब चौके यार इनके। और एक तो ये मुझे इन टिकटॉकर से समझ में नहीं आता भाई, 15 सेकंड के रील या टिकटॉक के अंदर हीरो बन के दिखाने का क्या मतलब है भाई, कोई सेंस बनता है उस बात का? रील के अंदर तो भाई साहब बिल्कुल हीरो बन जाते हैं लोग, रियलिटी के अंदर भाई जब इनकी मारा मराई होती है ना, रियलिटी में तो इनका सीन ऐसा है कि पहले अदनान भाई अपनी ठुकाई करवाएंगे, उसके बाद अपने भाई अब्दुल को टैग करेंगे, फिर उसकी ठुकाई करवाएंगे, उसके बाद दोनों ठुकाई करवाने के बाद मिठाई की दुकान पे सस्ते में बिक जाएंगे।
टाइम है तुम्हारे पास, जाके दिहाड़ी लगा दो। ये यहाँ इन सब इसमें कुछ नहीं लगा भाई। दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। अब इस वीडियो में क्या था वो तुम मुझे समझाओ यार। क्या क्या था क्या इसके अंदर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको देखता कौन है। बे कौन है ऐसा बंदा जो कि सोचता कि भाई अरे वाह आज तो अदनान 07 रील डालेगा, मैं तो पक्का देखूंगा इसको। और छोटा बच्चा बनने की पूरी कोशिश कर रहा है ये, मगर लग ये बिल्कुल रहा है छोटा भीम के जग्गू बंदर की तरह। भीम वो देखो बड़वे बंदर, वहाँ भी है बड़वे बंदर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये कमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं इंसान भी हैं, नहीं मतलब इंसान ही कमेंट करते हैं कि जुपिटर के एलियंस कमेंट करते हैं। अरे इन लोगों ने पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन इमोजी से भर के रखा यार। नहीं मतलब इसके सो कॉल्ड फैंस रियलिटी में बातें बातें भी करते कि ये सिर्फ अपने मुंह से इमोजी फेंक के मारते अगले के ऊपर। एक्चुअली आज तुम भी यही करो, बहुत सारे इमोजी चाहिए मुझे कमेंट के अंदर, जो इमोजी तुम्हारे दिमाग में आता डाल दो, सार्केज्म की तरह डालो बट डालो, मेरे को चाहिए भाई इमोजी बहुत सारे। यार ये क्या कमेंट सेक्शन है। और इसके सो कॉल्ड फैंस का आईक्यू लेवल तो मुझे तभी समझ में आ गया जब इसके एक सो कॉल्ड फैन ने कमेंट किया क्यूटी क्यूटी भाभी फायर इमोजी हार्ट इमोजी। अरे भाई अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार कॉमन भाई अदनान 07 के सो कॉल्ड फैंस उसे भाभी समझते हैं, वो भी क्यूट वाली। तो नहीं, एक्चुअली इस बंदे ने कमेंट किया था क्यूट क्यूट बेबी, मगर बेचारे ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं होगी, साथ ही फेल बंदा होगा, इसलिए इसने क्यूट क्यूट भाभी लिख दिया। मगर मैं बता रहा हूँ तुम ये कमेंट मत कर देना, क्यूट क्यूट भाभी कॉमन, क्यूट क्यूट भाई कॉमन लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हार्ट भी दूंगा उस कमेंट को, बट क्यूट क्यूट भाभी लिखना, हम अपन ऐसे नहीं है इनकी तरह। चलो अब इतना कुछ देख ही लिया इस अदनान 07 के बारे में, तो वो वीडियो भी देख ही लेते हैं केजीएफ वाला जहाँ से कांड शुरू हुआ था। लाइक थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हम भी दे देते हैं उस वीडियो को। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं, और तेरे से भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई, भगवान के लिए बख्श दे हम लोग को। ये एक्टिंग के नाम पे जिप में फंसे हुए नुन्नू की तरह शक्ल बनाना बंद कर दे। और हाँ अभी तो चल के भी दिखाएगा ना, इसका लेजेंडरी वॉक आने वाला है गाइस, तो लेट्स सी दैट वॉक। मैं ओनली पीस बोल के मुर्गी की तरह चल के चले गया ये भाई, थोड़ी शर्म आ रही है केजीएफ का रॉकी की ऐसी की तैसी कर दी तूने। इस वीडियो को देखने के बाद तो केजीएफ का रॉकी खुद मूवी से निकल जाएगा तेरा मुंह तोड़ने के लिए। अब मुझसे और देखने जाएगी इसकी वीडियोस भाई। आज के लिए इतना ही, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, और मुझे कमेंट करना बताना कि तुम किसकी तरफ हो, टीम यूट्यूब की तरफ या टीम टिकटॉक की तरफ। मुझे तो लगता नहीं कि भाई कोई जनता टीम टिकटॉक की तरफ होगी, क्योंकि भाई इनके कारनामे ऐसे कि भाई सपोर्ट करने का मन भी करता होगा तुम लोग को। बट हाँ आज का वीडियो मजाक है तो मजाक में लेना, और आगे जो भी होगा मैं अपडेट करूंगा तुम लोग को। और हाँ अगर ये ड्रामा खत्म हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं टीम 07 के ऊपर पूरी इसके फैजू हसनान जो भी इनके नाम है अजीब अजीब से, इन सब के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ जो कि मतलब एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो टीम 07 के ऊपर। तो अगर तुम्हें पसंद है कमेंट करना बताना मुझे, इफ यू वांट तो मैं बनाऊंगा उनके ऊपर वीडियो एक। बस आज के लिए इतना ही, इंस्टाग्राम पर कमेंट उसको राज, मैं वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स डालता हूँ, फनी फनी इनकी जैसी वीडियोस डालता हूँ, अच्छी डालता हूँ ना, तुम देख सकते हो। इस चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करो भाई, इस ड्रामे को पूरा कवर करेंगे अपन और बहुत बड़े बड़े वीडियोस लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब राइट नाउ। चलो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार। रोता कोई आया तेरे पास, तूने अर्जी उसकी सुन ली मेरे शंभू।